सब्सक्राइब कीजिए सुमित ऑनलाइन क्लासेस को और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए इसी तरह की वीडियो देखने के लिए। सुमित ऑनलाइन क्लासेस के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए दोस्तों आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 79। थ्री चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ए बी सी तीन पार्टनर है। चार्टर्ड अकाउंटेंट है ये, तीन के तीन पार्टनर है और इनके बीच में जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो रेशियो है 3:2:1। सब्जेक्ट टू फॉलोइंग क्या सब्जेक्ट दे रखे हैं। सी को कहता है शेयर ऑफ प्रॉफिट जो उसको मिलेगा, गारंटी टू बी नॉट लेस देन 15,000 पर एनम। तो सी को गारंटी दे दी कि आपको जो प्रॉफिट मिलेगा वो 15,000 से कम नहीं मिलेगा। आप गारंटी किसने दी वो चेक कर लेती हैं। बी गिव्स गारंटी, बी ने क्या दी है गारंटी दी है इफेक्ट दैट ग्रोस फीस अर्न बाय हिम। अभी ये नहीं पता बी ने किसको गारंटी दी है। बी कहता है मैं गारंटी देता हूं फैक्ट ऑफ ग्रोस जो फीस अर्न करूंगा ना मैं बाय हिम फॉर द फर्म, जो इस फर्म के लिए अर्न करूंगा वो कितनी होगी, सेल बी इक्वल टू हिज एवरेज ग्रोस फीस प्रोसीडिंग 5 ईयर। मतलब उतना होगा वो जितना उसके 5 सालों का, पिछले 5 सालों का एवरेज है, इतनी वो बिजनेस के अंदर अर्न करके देगा ही देगा। व्हेन ही वाज कैरिंग ए प्रोफेशन, जब वो अकेला एक प्रोफेशन बिजनेस कर रहा था तब वो इतनी जो अर्निंग है वो कर रहा था, ग्रोस फीस अर्न कर रहा था। विच एन एवरेज वर्क आउट कितना है 25,000। तो बी क्या है यहाँ पर फर्म को गारंटी दे रहा है ना कि पार्टनर को। वो कहता है अगर मैं अकेला काम कर रहा था पिछले 5 सालों में तो मैं जो प्रॉफिट अर्न कर रहा था या ग्रोस जो फीस अर्न कर रहा था वो 25,000 था। अब कहता है मैं इस बिजनेस को भी गारंटी देता हूं कि मैं 25,000 तो यहां भी करके दूंगा बिजनेस को, ठीक है। अगर कोई कमी आती है तो ये किसके द्वारा बियर की जाएगी, ये बियर की जाएगी बी के द्वारा जो ग्रोस फीस के बारे में बात है। कहता है प्रॉफिट जो फर्स्ट ईयर का कैलकुलेट किया गया है पार्टनरशिप डीड के अंदर, तो पार्टनरशिप फर्म के अंदर कितना प्रॉफिट अर्न किया 75,000। तो भाई ये बताओ मेरे को जो उसने ग्रोस फीस अर्न किया वो कितनी अर्न की है। कहता है द ग्रोस फीस अर्न बाय बी, बी ने ग्रोस फीस कितनी अर्न किया, गारंटी कितने की दी थी उसने 25,000 की, फॉर द फर्म कितनी 16,000 उसने अर्न की है। तो भाई 25,000 की आप गारंटी दे रहे हो और 16,000 आप अर्न कर रहे हो तो रह गया कितना आपका 9,000 आपको देने पड़ेंगे क्योंकि आपने गारंटी दी थी फर्म को कि मैं 25,000 आपको कमा के दूंगा, लेकिन आपने कितने दिए 16,000, लेकिन 9,000 अब आपकी क्या है ये कैपिटल में से हम माइनस कर लेंगे। तो रिक्वायर टू शो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट गिविंग इफेक्ट टू अबाउ, तो इनको आपने कंसिडर करना है। एबीसी तीन पार्टनर थे, सी को गारंटी दी थी कितनी 15,000 आपको कम से कम प्रॉफिट मिलेगा। अब क्वेश्चन साइलेंट है कि सी को गारंटी किसने दी, तो हम ए बी से चार्ज करेंगे किस रेशो में 3:2 में अगर कोई दिक्कत आती है। अब प्रॉफिट देख लेते हैं, प्रॉफिट कितना था हमारे पास, प्रॉफिट है हमारे पास 75,000, ठीक है। ये तो प्रॉफिट हुआ प्लस ये जो क्या था हमारा 9,000 है ये किसने गारंटी दी थी, ये गारंटी दी थी बी ने क्योंकि 25,000 की, और जो अर्न कितना हुआ है वो हुआ है 16,000, तो 9,000 इसके अंदर ऐड हो जाएंगे, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा 84,000 हमारा टोटल प्रॉफिट आ जाएगा। यहाँ क्या लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट कितना आ जाएगा ये 75,000, और यहाँ क्या लिखेंगे बाय बीज कैपिटल कितना 9,000, ठीक है। अब हो गई 84,000। अब कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना, कोई पार्टनर की सैलरी नहीं देनी। अब क्या करो इसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिवाइड कर लो, किस रेशो में 3:2:1, तो कितना हो जाता है 6, ये कितना हो जाएगा 6। तो 84 को अगर आप 6 से डिवाइड करते हो तो कितना आता है, ये आता है 14,000, ठीक है, ये आता है 14,000। इसको कितने देने हैं एक हिस्सा, इसको देना है ए को बी को और सी को, ए बी सी इसको देना है एक हिस्सा, इसको देने हैं दो हिस्से, इसको देने हैं तीन हिस्से, तो इसके हिस्से में कितना चला जाएगा 14,000, नेक्स्ट में कितना चला जाएगा 28,
नेक्स्ट में 42, ठीक है। अब भैया आपने जो सी को कितना मिला है, 14,000, लेकिन आपने गारंटी कितने की दे रखी है, 15,000 की, तो इसको कितने मिलने चाहिए, इसको मिलने चाहिए 1,000 और मिलने चाहिए। अब ये 1,000 हमें ये नहीं पता कहाँ से मिलेंगे, क्वेश्चन साइलेंट है, तो हम क्या करेंगे, तीन दो रेशो में ए बी से ले लेंगे, तो किससे लेंगे, ए से और बी से, किस रेशो में, इससे लेंगे तीन, इससे और बी से लेंगे दो, इससे तीन और दो कितने जाते हैं, पांच, डिवाइड किससे करोगे, पांच से, तो और इससे भी कितने आ जाएंगे, 200, और इससे कितने लेंगे हम, ए से 600, इससे कितने लेंगे हम 400, तो ऐसे हम चार्ज कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और हमारे पास पार्टनर कौन है, ए है, बी है और ये सी है, ठीक है। मिले कितने दिन को, 42,000, ठीक है। नेक्स्ट को कितने मिले थे, 28,000, ठीक है। नेक्स्ट को कितने मिले थे, 14,000, ठीक है। अब इसको फ्रॉम कहाँ से आई, ये ए से और बी से, ठीक है, ये आई 600, ये आई इसके 400, तो इसके कितने जाएंगे, ये 15,000, इसमें से कितने चले जाएंगे, टू सी के लिए फेवर में चले जाएंगे 400, ठीक है, तो इसके कितने जाएंगे, 27,600। नेक्स्ट की बात करें तो इसमें से कितने चले जाएंगे, टू सी के लिए चले जाएंगे 600, ये कितने हो जाएंगे आपके, 41,400, ठीक है। तो आप यहाँ कितना आ जाएगा आपका, 84,000, यहाँ भी कितना आ जाएगा, 84,000। यहाँ क्या लिखेंगे, ए बी सी, यहाँ क्या लिखेंगे, ए बी और ये सी, तो यहाँ क्या लिखेंगे, बाय, ये क्या है, बाय बैलेंस बी डी, कैपिटल आ जाएगी, इनकी कैपिटल क्वेश्चन साइलेंट है, क्वेश्चन क्वेश्चन बताता कैपिटल के बारे में, तो खाली छोड़ देंगे। बाकी क्या मिला, बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, कितने मिले इनको, 41,000 और ये 600, 41,400, ठीक है। यहाँ कितना आ जाएगा, 41,400, यहाँ कितना आ जाएगा, 41,400। नेक्स्ट में कितने आए हैं, 27,000 और ये 600, 27,600। नेक्स्ट में कितने आए आपके, 15,000, और यहाँ भी कितना आ जाएगा, 15,000, यहाँ भी कितना आ जाएगा, 15,000, और यहाँ भी कितना आ जाएगा, 26,000, 27,600, ठीक है। उसके बाद यहाँ से टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से भी तो पार्ट कटे थे, ये 9,000, किसके पार्ट से कटे थे, ये बी से, तो यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ 9,000 कम हो जाएंगे, ये रह जाएगा। उसके बाद यहाँ क्या लिखोगे, टू बैलेंस कैरी डाउन, ठीक है। फर्स्ट में तो टोटल आ जाएगा 41,400, नेक्स्ट के अंदर क्या है, 27,000, 27,000 में से अगर माइनस कितना करते हैं, 9,000, तो ये कितना आएगा आपका, 18,600, ठीक है। नेक्स्ट में कितना आ जाएगा आपका, 15,000। तो आपने इस तरह से क्वेश्चन को ट्राई करना है। तो बस दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपका कोई सुझाव या कोई शिकायत है तो वीडियो के नीचे कमेंट करना ना भूलिए। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।